ताहे राजनीति बहुत खराब हो गई है, आदमी कोई की सुने ही नहीं रहा, जो भाजपा में है वही की चल रही है। अगर हम भी अभी अभी भाजपा के खिलाफ अगर कछु कह दें हो सका दूसरे दिन हम ऑटरी उठ जाए, जा चीज हकीकत हो गई है। क्या बुंदेलखंड में अब भाजपा निर्दोषों पर बुलडोजर चलवाती है? क्या कोई नेता के खिलाफ कुछ कहेगा तो उसकी जमीन जायदाद या उसके धंधे प्रभावित हो जाएंगे? क्या इन स्थानीय नेताओं का इतना आतंक है कि कोई जुबान नहीं खोल सकता? एक नौजवान ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है? एक नौजवान जो चाय की दुकान चलाता है वो यह कहता दिखा कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारी दुकान पर बुलडोजर चल जाएगा, अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो बुलडोजर चलना तय है। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट बेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे, तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है SDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने बीते दिनों मध्य प्रदेश के सागर के नरियावली विधानसभा के जड़ुआ खेड़ा में चुनाव के संबंध में जब हमने आम पब्लिक से बात की तो उसका कहना था कि भाजपा नेताओं की रंगदारी बदस्तूर जारी है, अगर आप भाजपा में हैं तो प्रशासन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आम पब्लिक अगर कुछ बोलती है भाजपा के खिलाफ बोले तो उसका धंधा नष्ट कर दिया जाएगा, उसकी दुकान पर, उसके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। 2-5 लाख में बिकता है, अब उनकी जो जहाँ पे खड़े हो गए माने उनकी चल होते, अब जा बन गए तो ये मामले में अपन अब जा चाहते बदलाव आए, कनक दूसरे मामलों में भी सरकार देखे, दूसरी सरकार आए जो चोर चोर का जितने भी जो माने ऐसा है कि आज अगर हम भाजपा के हैं तो कोई हमसे बात नहीं कर सकता, तो जा चीज खत्म हो जाए। कांग्रेस के हो तो कुछ भी नुकसान होगी, अरे कौन भी पार्टी में हो अगर भाजपा के हैं हम तो हमसे कोई चीज नहीं कर सकता ना, जाम आदमी तो जा चीज खत्म हो जाए। जो मतलब गुंडागर्दी टाइप की बहुत खराब फैल रही है, एक से एक चोर का चोरों चक्का भाजपा में शामिल है, दादागिरी बता रहे, तो बात चीज खत्म हो जाए। आप युवा है, बड़ी अच्छी बात करी आपने, ये माहौल आजू बाजू भी देखते हैं आप? हम देख के ही बता रहे, हमने जो देखो हम आपको वही बता रहे कि आप ऐसा होगा कि हमें जा मानू सरकार भाजपा की आने, हम भी वोट को भाजपा को दें लेकिन विपक्ष आने चाहिए, ताहे राजनीति बहुत खराब हो गई है, आदमी कोई की सुने ही नहीं रहा, जो भाजपा में है वही की चल रही है। अगर हम भी अभी अभी भाजपा के खिलाफ अगर कछु कह दें हो सका दूसरे दिन हम ऑटरी उठ जाए, जा चीज हकीकत हो गई है, दहशत हकीकत में दहशत हो गई। आज हम कोई एहतियात है, भाजपा वाले भी हैं एहतियात हैं, दारू भोरी मचे हैं माने, तो हम उनसे कह नहीं सकते कुछ, जाति बहुत खराब हो गई, भाजपा की दहशत चल रही नहीं, भाजपा की नहीं चल रही आदमी, देखो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और विधायक एहतियात कछु नहीं कर रहे, ये भाजपा की दम पर जो चोर चोर कर जिनकी कल लखों कोई औकात नहीं थी वे आज नेता बन रहे कि हम सब कछु हैं, जो अनुमान रोड छाप आदमी है उनकी बढ़ गई तो तनक पुलिस प्रशासन भी उन पर दाए, अब बेजा है कि भाजपा में सो वो चीज को जो एक मुद्दा है ना कि छोटे आदमी भाजपा में सो उनको कछु नहीं हो पा रहा, जा चीज खत्म हो जाए। कुछ पब्लिक ने कहा कि ईवीएम मशीनों से भी छेड़खानी की गई है, पब्लिक का कहना है कि विधानसभा में जो जीत रहा था वो चुनाव हार गया, तो हारने वाला जीत गया, एक बात बिल्कुल तय है और वक्त दर वक्त यह सामने आती है कि जो सरकार नेताओं विधायकों मंत्रियों के खिलाफ मुंह खोलता है वो चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई होती है, उसका मकान गिरता है, उस पर बुलडोजर चलता है, उसको नोटिस दिया जाता है, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है। हम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से कहना चाहते हैं कि आम पब्लिक है जो निर्दोष है, सच बोलती है और बेईमानी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर क्या बुलडोजर चलना चाहिए? बता रहे थे ईवीएम में भी गड़बड़ी हुई थी, अब हो भी सकत, कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर हैक हो सकत है, ये में कोई दो राय नहीं है, भाई है नहीं भाई अपन ने तो नहीं देखो, इस बार विधानसभा में कौन को माहौल है तो कौन जीत गो, कौन जीत गो, जीतो जिताओ हार गो, हारो हराओ जीत गो। अच्छा तो जा बताओ जोन भाजपा के पूरे झंडा उतर गए थे वो जीत गो है भाई, आदमी जो ने वोट दई
ओके बाद वो तो मालूम हुई है कि हमने कौन को वोट दई, तो झंडा उतरे मतलब समझ जाओ को वोट कौन को दई। ओके बाद अगर दूसरो जीत रहा हो तो सीधे सीधी ये मैं वो है का भाव। हमारे जदुआ खेड़ा में आप जो बीजेपी के झंडा जैसे अब देख रहे हैं, विधानसभा के टाइम में इतने सबसे ज़्यादा झंडा लगे थे बीजेपी के, जिस दिन वोट डली थी ओके दूसरे दिन एक भी झंडा किसी घर के ऊपर बीजेपी का नहीं बचा था। कांग्रेस के 8-10 लगे थे, ज्यों कहता हूँ 8-10 लगे थे, अब भी 2-4 लगे हैं ज्यों कहता हूँ। माहौल सीधो है तो वोटर सीधे हते, लेकिन चुनाव बदल गए, चुनाव बदल गए। सागर एक्सप्रेस न्यूज अपील करता है कि अगर कोई नेता आपको सताता है, आप पर दबाव देता है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर चुनाव में आपको प्रशासन ने नोटिस दिए हैं, आम पब्लिक को नोटिस दिए हैं, या आपने भाजपा का विरोध किया है तो आपको नोटिस दिए हैं, तो कमेंट्स बॉक्स पर आप नोटिस डालें। यकीनन हम इस बात को ऊपर के आला भाजपा नेताओं को बताना चाहेंगे, साथ ही यह देखेंगे कि अगर शिकायत के बाद ऊपर के आला नेता स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई करेंगे तो मानेंगे कि भाजपा का आला कमान सही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यह मान कर चलना कि ऊपर से ही परमिट जारी हुआ है कि जो भाजपा के खिलाफ बोले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहारा एक युवा ने बहुत बेबाकी से बोला है, और इतनी बेबाकी से बोला है कि हम उसके जज्बातों को सलाम करते हैं। शायद यही पब्लिक, और पब्लिक को दिल खोल कर बोलना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।